नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। गाजियाबाद में दिल्ली के नए संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उद्घाटन होगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं एक तरफ विपक्ष संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जाए, न कि प्रधानमंत्री द्वारा। वहीं संसद के आसपास का क्षेत्र यानी कि जंतर मंतर, जहां पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसको लेकर खास तौर पर वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने 28 तारीख को नए संसद भवन पर धरना प्रदर्शन की बात कही है, तो वहीं प्रदर्शनकारी भी डटे हुए हैं और संसद भवन जाने की बात कह रहे हैं। कुशीनगर में हाटा एसडीएम ने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष समेत 25 सभासदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। एसडीएम वरुण पांडे ने सबको सबसे पहले नगर पालिका अध्यक्ष रामानंद सिंह सैथवार को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद एसडीएम ने सभी सभासदों को शपथ दिलाई। इस दौरान किसान नेता सपा पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने कहा कि नगर पालिका हाटा भ्रष्टाचार मुक्त हाटा नगर पालिका बनेगा, और सपा नेता रणविजय सिंह मोहन ने कहा हाटा नगर पालिका विकास की एक नया कृति मानव स्थापित करेगा। वहीं इसे सभासदों को शपथ दिलाने के बाद भ्रष्टाचार मुक्त हाटा बनेगा नगर पालिका, इस आदर्श नगर पालिका बनाने में भरपूर मदद की जाएगी। समारोह संपन्न हुआ है, श्री रामानंद सिंह जी यहाँ अध्यक्ष हुए हैं। सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि इसको विकास करके, विकसित करके एक आदर्श नगर पालिका हाटा बनाएंगे। हाटा नगर पालिका का 2016 में इसका जो है कि गठन हुआ, इसमें एक पहले जो है कि मात्र एक टाउन एरिया था, जिसमें जो है कि गठन करके 39 राजस्व गांव सम्मिलित करके नगर पालिका का गठन, इसमें ग्रामीण अंचल जो भी सम्मिलित हुए हैं बहुत ही अति पिछड़ा है। वहाँ पे आज भी जो है कि ग्रामीण अंचल की बिजली मिलती है, सारी बिजली नहीं मिलती है। वहाँ पे जल निकास की व्यवस्था जो है कि नाली की स्थिति बहुत दयनीय है। हरदोई में कछौरा इलाके में आंधी आने से हादसा हो गया। बता दें कि तेज आंधी से दीवाल और छप्पर गिर गया। इस हादसे में छत से कपड़े उतारने गई महिला की छज्जा गिरने से दबकर मौत हो गई, और हादसे में महिला की दर्दनाक मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कैसे महिला की डेथ हुई है और क्या इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है? थाना कछौना में कटिया गांव, तकिया गांव पड़ता है, जहां की रहने वाली अंजलि वाइफ आउट रही। अभी कुछ देर पहले आंधी और तूफान में उनकी छत और छप्पर उनके ऊपर गिर पड़ा था, जिसपे उनकी मृत्यु हो गई है। उपरोक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा पंचायत नामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जब शिक्षा देने वाले शिक्षक के शर्मनाक करतूत सामने आए तो कैसा लगेगा? जी हां, आपको बता दें कि शिक्षक ने बच्चों के साथ में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं के साथ बैट टच करने और आपत्तिजनक बात करने के आरोपी उर्दू शिक्षक की सेवा समाप्त कर दी गई है। साथ ही उर्दू शिक्षक के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया है। दरअसल तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण के दौरान छात्राओं ने मामले की शिकायत की थी। बालिकाओं के साथ बैड टच और आपत्तिजनक बातें करने के मामले में जांच के लिए जिलाधिकारी ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर बीएसए ने आरोपी उर्दू शिक्षक की सेवा समाप्त कर दी है। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी ने स्थानीय थाने में शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा पंजीकृत कराया है। वो उनके साथ बैड टच करते हैं और आपत्तिजनक बातें करते हैं, तो उक्त के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराया गया। तो उन्होंने 3 महिला अधिकारियों की जांच टीम गठित की, जिसमें एसडीएम संडीला मैडम, सीईओ हरियावा मैडम और जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी मैडम ने संयुक्त जांच की, और उनकी जांच में उक्त तथ्य
हमारे साथ संवाददाता हर्षराज जुड़ेंगे। हर्षराज, शिक्षक का घटिया करतूत सामने आया है जहां पर उनकी शिक्षा सेवा समाप्त कर दी गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी इसको लेकर? टोंडरपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में तैनात उर्दू शिक्षक मुजीब खान की सेवा समाप्त कर दी गई। साथ ही बेटा उपल थाने में छेड़छाड़ का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 15 मार्च को तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी शालिनी गुप्ता ने निरीक्षण के दौरान बालिकाओं ने आरोप लगाया था कि उर्दू शिक्षक मुजीब खान छात्राओं के साथ बैठ तक करते हैं, साथ ही उनसे मोहब्बत और पिया का अर्थ पूछते हैं। उर्दू शिक्षक उनसे कहते हैं कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो और मोहब्बत पिया का अर्थ नहीं जानती हो, तुम लोगों में प्रेम होता है और हम लोगों में मोहब्बत होती है। जी हर्षराज, कितनी संख्या में लड़कियों ने उन पर आरोप लगाए थे? ये अभी जांच का विषय है, फिलहाल इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जांच चल रही है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्षराज। बुलंदशहर में गुलावठी नगर पालिका परिषद के बाहर बनी एक दुकान का छज्जा भरभरा कर गिर पड़ा। दुकान के पास मौजूद लोग बाल बाल बचे। जानकारी मिलते ही नगर पालिका के बाहर असलम की नाई की दुकान है। असलम ने बताया कि वह दुकान में एक व्यक्ति के बाल काट रहा था, उसी दौरान उसी की दुकान का छज्जा भरभरा कर गिर पड़ा। इस दौरान वो बाल बाल बच गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये दुकानें बहुत ही पुरानी है, जिसे वो जर्जर हो चुकी है, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। गाजियाबाद में औषधि विभाग और मोदी नगर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए मोदी नगर में चल रहे दवाइयों के कारोबार पर छापेमारी कर लाखों की नकली दवाइयां बरामद की है। औषधि विभाग की टीम ने छापा मार कर मोदी नगर के गोविंदपुरी इलाके में चल रहे नकली दवाई के गोदाम पर वहां से नकली दवाइयां बरामद की है। नकली दवाइयों का काम करने वाला मास्टरमाइंड रवि कुमार को बताया गया है, जो कि मौके से फरार हो गया। इसके साथ ही पुलिस ने मास्टरमाइंड को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है। लगभग 14 छोटे बड़े कार्टन दवाइयों के जब्त किए गए हैं और एक अभियुक्त जिसका नाम रूपचंद पुत्र जयप्रकाश है, वो गोविंदपुरी का रहने वाला है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। साथ ही साथ ये जो ड्रग्स जो दवाइयां हैं वो रिकवर की गई हैं, लगभग 50 लाख से ऊपर की कीमत की बताई जा रही हैं। और इसमें औषधि निरीक्षक के द्वारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कार्रवाई की जा रही है, साथ ही साथ पुलिस के द्वारा भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता प्रवीण जुड़ेंगे। प्रवीण, नकली दवाइयों के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्या कुछ अधिक जानकारी इसको लेकर? जी देखिए, बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दूं गाजियाबाद के मुरादनगर का पूरा मामला है, जहां पर जिस तरह से ये दवाइयां बनाई जा रही थी, यानी कि नकली दवाइयां, और जो कि मार्केट में, यानी कि इसकी मार्केट में सप्लाई भी हो रही थी और ये धड़ल्ले से बिक भी रही थी, तो कहीं ना कहीं दवाइयों को लेकर लोग खासा जानकारी नहीं होती, लोग परेशान रहते हैं कि आखिर दवाई इसमें से कौन सी ओरिजिनल है या कौन सी नकली दवाई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ड्रग विभाग के खुद अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर जो मास्टरमाइंड था, यानी कि जो इस पूरे खेल को कर रहा था दवाइयों का, जो जिस तरह से ये उत्पादन वहां पर हो रहा था और किस तरह से उसको वहां पर धर दबोचा गया, उसको हिरासत में भी ले लिया गया है। लेकिन ये 50 लाख की तकरीबन की कीमत इसकी बताई जा रही है दवाइयों की। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, मुखबिर की सटीक सूचना मिलने के बाद ही इस तरह से यहाँ पर छापेमारी की गई, जिसके बाद 50 लाख से अधिक की कीमत की दवाइयां जो है, नकली दवाइयां जो कि मार्केट में बेची जा रही थी, मार्केट में कभी मेडिकल स्टोरों पे यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं उसका भंडाफोड़ हुआ है, उसको वहां पर हिरासत में लिया गया है। जो मेन इसका मालिक था, जो बना इसका मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा था, यानी ये जो मतलब दुकानों तक, यानी मेडिकल तक जो पहुंच रही थी दवाइयां, उसका मास्टरमाइंड था, इसको भी मौके से वहां तक गिरफ्तारी की गई है। हालांकि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, इसकी पुलिस अभी पड़ताल कर रही है, जांच कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण। लखनऊ में शाइन सिटी प्रकरण से संबंधित पंजीकरण अभियोग मुकदमा अपराध थाना सिविल लाइन प्रयागराज में वांछित अभियुक्त को थाना क्षेत्र मुट्ठीगंज से ईओडब्ल्यू कानपुर सेक्टर के पुलिस अधीक्षक हफीजुर रहमान द्वारा गठित टीम के सदस्य को गिरफ्तार किया गया। इसी अभियोग में कई वांछित अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया। ये दोनों अभियुक्त विवेचना के दौरान संकलित अभिलेखीय साक्ष्यों बयानों के आधार पर प्रकाश में लाए गए अभियुक्त हैं।
कहते हैं बाप बड़ाना भया सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ, ये एक ऐसी चीज है जिससे पराए भी अपने और अपने भी पराए हो जाते हैं। ये खबर संपत्ति के बंटवारे की है। अलीगढ़ में भाई की संपत्ति को लेकर विवाद हो गया। झूठे मुकदमे में फंसाने और परिवार को जान से मारने की धमकी देकर पुलिस को पीड़ित का भाई गुमराह कर रहा है। बताते चले कि विवाद और झूठे मुकदमे की धमकी देकर भाई के परिवार को परेशान करता रहा। दरअसल मामला थाना छर्रा क्षेत्र के अंतर्गत अतरौली रोड का है। मैंने अपनी बना लिए और छोटा बेटा कंचन जो वो अपनी यहाँ पर बाउंड्री करवाने आया है पार्टीशन लगाने, उसे नहीं लगाने दिया जा रहा। उसे मारपीट, गाली गलौज और खुद अपनी ईंट मार के सर में। कल थाने चला गया, ड्रामा करता है, नई नई बातें तैयार करता है। कंचन नहीं, कंचन की तो हाँ, इनसे तो कहा सुनी हुई थी दोनों से। हाँ, खुद खुद की ईंट मारी और खुद के लिए। किसने मारी अपने? संजय ने। संजय ने खुद अपने आप, खुद अपने आप अपने सर में मारी अपने। अच्छा, जब ये पार्टीशन हो रहा है और ये काम भी चल रहा है और काम इतना उन्होंने नहीं रोका ना, उससे पहले झगड़ा कई बार हो चुका है। अभी काम धंधा करने के लिए तो इन्होंने थोड़ा लेबर के दो एक हाथ वगैरह भी मारे थे हर काम में, और जाति सूचक शब्द वगैरह मुझसे बोने लगे चमड़ा फमड़ा के कह के। और उन्होंने कहा काम के लिए आप बंद कराएं इसके लिए हर काम में, कि भोटड़ी के यहाँ काम कराने के लिए तू ही आया है नो। तो इन्होंने तमाम दुनिया की गाली गलौज वगैरह की और हर काम में, फिर उन्होंने हाथ पानी वगैरह करी, ये सब बल वगैरह नहीं। तो हम तो ये चाहते हैं कि इनके लिए ये शब्द इनके लिए मिलना चाहिए, जो इन्होंने हमारे साथ में इन्होंने शब्द के लिए कहा है, तो इनके लिए शब्द का इनके लिए भी दंड मिलना चाहिए। नाम बैनामा है इस जगह का और हम इसके मालकाना हक रखते हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने कल मेरे से मारपीट की है। अमन गुप्ता है और अनमोल गुप्ता और संजय तीनों ने, और इनका एक कुत्ता भी मेरे को काटने दौड़ा, काटा है उसने, मेरे पैर में भी इसके वो है और मेरे ये निशान भी पड़े हुए हैं। जब बंटवारा हो गया तो ये आधा आधा भी मामला हो गया, ये बंटवारा भी हो गया, फिर आपको क्यों अंदर नहीं जाने दिया, क्या कारण है? ये गुंडा तत्व के लोग हैं, ये बहुत परवर्ती इनकी ये है। पूरे चेयरमैन साहब छर्रा की बस्ती के लोगों ने भी दस्तखत करके बैनर वो करा दिया फैसला, लेकिन ये किसी भी व्यक्ति का फैसला नहीं मानते, अपनी ही चलाते हैं और अपना ही सब कुछ रखते। गैलरी का बंटवारा हो गया लेकिन गैलरी का गेट एक है, तो अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं गैलरी का अलग गेट अपना चाहता हूँ कि मेरा गेट अलग हो जाए, और जो मेरा काम चल रहा था वो अवरोध कर दिया इन्होंने, मेरे साथ जो मारपीट की है उसको मैं ना चाहते हुए ये चाहता हूँ मेरा समाधान जो है। मैं तो योगी सरकार में इतना परेशान हो गया हूँ, योगी जी कहते हैं कानून से कानून का राज होना चाहिए, लेकिन यह कानून का राज नहीं है। नगर पालिका बुलंदशहर में नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीप्ति मित्तल को एडीएम प्रशासन डॉक्टर प्रशांत कुमार ने सभासदों सहित पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिकंदराबाद शपथ ग्रहण समारोह में नोएडा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा भी पहुंचे। एडीएम प्रशासन डॉक्टर प्रशांत कुमार के द्वारा बुलंदशहर व सिकंदराबाद और काकोड एसडीएम रेणु ने शपथ दिलाई। दीप्ति मित्तल ने भाजपा उम्मीदवार के रूप में विजय की थी। बता दें कि सांसद और विधायक गण सहित भाजपा के स्थानीय नेता शामिल हुए। बाराबंकी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने 5 शातिर ऑप्टिलिफ्टर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से मोटरसाइकिल और इसके पार्ट्स बरामद हुए हैं। बताते चले कि बीते कुछ दिन पहले मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, जिसको लेकर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जो गैंग पकड़ी गई है उससे 19 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और कई गाड़ियों के ट्यूब, टायर्स, इंजन्स और विभिन्न उपकरण जो है वाहनों के मिले हैं, जो इसको खोल के बेचने में काम करते थे वहीं से बरामद हुआ है। इस गैंग के दो मेंबर्स जो मैकेनिक थे खुद, इनकी अपनी दुकान थी गाड़ियों की और एक उसमें कबाड़ी के काम करता था। तो गाड़ियों को या तो ये कोशिश करते थे कि सस्ते दामों पर बेच दें, नहीं बिकने थे पार्ट्स की शक्ल में मैकेनिक के दुकानों से बेच दिया करते थे, और फिर जो कुछ पार्ट्स बचते थे उसको कबाड़ी के दुकान से जो कबाड़ी है उत्तर वो वहाँ बेच दिया करता था। तो इस तरह से लगातार ये पिछले जो 2.5-3 महीनों से वाहन चोरी की संख्या बढ़ी थी, उसमें ये गैंग सक्रिय थी और इस गैंग पर पहुँचने का रेल इसलिए ही लगा कि इनका कोई क्रिमिनल
गाजियाबाद में लोनी में उपजिलाधिकारी शालवे अग्रवाल की अगुवाई में नव निर्वाचित लोनी नगर पालिका अध्यक्ष को शपथ दिलवाई गई। शपथ समारोह के दौरान खतौली विधायक मदन भैया, पूर्व लोनी विधायक जाकिर अली साथी तमाम गणमान्य शामिल हुए। आपको बता दें कि नगर पालिका के सभागार में सभासदों ने जय श्री राम के नारे लगाए और इसी को लेकर भड़की क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। तब तक हम उसे जारी रखेंगे जब तक कि लोनी का संपूर्ण विकास नहीं हो जाता। और मेरे बराबर में जो हमारे आदरणीय विधायक खतौली से मदन भैया जी, हाजी जाकिर अली जी, और वो बागपत से जिला पंचायत अध्यक्ष जयकिशोर जी, मुरारी लाल लोहरा जी एवं समस्त यहाँ पर प्रधान जी भी हैं, सभी का भी विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि इन लोगों ने तन मन धन से चुनाव लड़ाया। और इन्होंने भी कहीं ना कहीं, क्योंकि बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों का भी विश्वास मुझसे जुड़ गया है, तो मैं कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी कि जिससे हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों को मेरी वजह से कोई बातें सुननी पड़े। कभी तरह के जो दावे और वादे किए गए थे उन पर कितना खरा उतरने का प्रयास किया गया? 100% खरा उतरे। जो आम जनता की जो मांग थी विकास कार्यों को लेकर, जो रुके हुए कार्य थे उसको लेकर, आप जनता को क्या संदेश देंगे? विकास का मैडम को लगा। कानपुर में छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ गया। नशे में धुत दबंगों ने चार दिन पूर्व पथराव कर पड़ोसी को घायल की और मौत हो गई। शहर में जहां एक तरफ सूबे के मुखिया महिला सशक्तिकरण मजबूत करने व कमिश्नरी लागू होने से डीजीपी अपराध पर लगाम लगाने की बात कह रहे हैं, परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। वहीं जब पुलिस से लोग शिकायत करने जाते हैं, पुलिस कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर मामले में समझौता कराने का दबाव बनाती है। फरीदाबाद में कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के ड्राइवर राजेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मृतक के भतीजों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। वहीं हत्या के बाद से ग्रामीणों ने भारी रोष बना हुआ है ग्रामीणों में। आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं और इन बदमाशों को रोकने में पुलिस फिलहाल नाकाम साबित हो रही है। खैर, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल दिनांक 26/5/23 को सूचना मिली कि राजेंद्र सिंह सनोप ने नवर सिंह औरंगाबाद को गोली मारती है। जो मौके पर पहुंचने पर जो है राजेंद्र का भतीजा मौके पर मिला और उसने जो है एक दरख्वास्त दी। जो मारने वाले हैं राजेंद्र के भतीजे रखते हैं पुष्पेंद्र और रोहतास। पुष्पेंद्र ने जो है इनको गोली मारी है। क्या वजह रही है? वजह यह है कि रोहतास और पुष्पेंद्र ये शरारती किस्म के लड़के थे और ये राजेंद्र इनका चाचा, ये इनको समझाता था भाई तुम ऐसे गलत काम मत किया करो, तो इसी वजह से इसी रंजिश को रखते हुए पुष्पेंद्र ने और रोहतास इसके साथ था। क्या हुआ है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये राजेंद्र सिंह औरंगाबाद निवासी करण सिंह दलाल के ड्राइवर थे पिछले 25 साल से जी। कल शाम को औरंगाबाद 9 बजे से लगभग शाम को बदमाशों ने गोली मार के हत्या कर दी और उसके बाद जैसे गोली लगी उनको फिर हम यहाँ फरीदाबाद तक लेके आए और मेट्रो हॉस्पिटल में आकर उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रशासन की लापरवाही, पुलिस का खौफ बदमाशों पर कम है, बदमाश खुले घूम रहे हैं। कौन लोग थे, कोई दुश्मनी थी, क्या था? कोई दुश्मनी क्या है, पेशेवर लोग हैं, इनका काम ये होता है जी। और कोई बहुत अच्छा लड़का था, सरल स्वभाव का व्यक्ति था, किसी से कोई झगड़ा नहीं था इनका। बट तो कहाँ जा रहे थे जिस समय गोली मारी? गांव के अंदर ही था। अच्छा। हमारे एक सरपंच हैं गिरिराज सिंह जी, उनके कमरे के पास अपनी बाइक से अपने घर की तरफ जा रहा था, वहीं कोने पे गोली मार कर घर से निकलते ही बाइक में बैठे हो, बाइक में तुरंत पीछे से गोली मार दी। कौन थे गोली मारने वाले? पुष्पेंद्र होता है। कोई रंजिश है क्या पुरानी, या कोई वजह क्या? और रंजिश तो बहुत दिन तक, 2-4 महीने 3-4 महीने था, झगड़ा मरना हुआ जो भी झगड़ा करते हैं। राजेंद्र सिंह तो बहुत शरीफ आदमी था। कितने लोग थे जब गोली मारने? लोग तो इकला ही है उस टाइम पर। मारने वाले कितने लोग थे? मारने वाला भी इकला ही उस टाइम पर।
क्या नाम बताया पुष्पेंदर। किस तरह की छवि के लोग हैं ये, इन पर कोई पुराने केस चल रहे हैं क्या? पुराने केस चल रहे हैं, कई केस चल रहे हैं, तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। अच्छा, ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मनोज जुड़ेंगे। मनोज, पूर्व मंत्री के ड्राइवर को कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? करण सिंह दलाल के ये ड्राइवर हैं, जहां इनकी कोई पुरानी रंजिश को लेकर इन्होंने गोली मारी है, जिसके बाद इनकी गोली लगने के बाद जो हालत है वो घायल हो गई थी, जिसके बाद इनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने अस्पताल के उपचार के दौरान इन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल जो परिवार है उनमें काफी रोष बना हुआ है और पुलिस जल्दी ही आरोपियों को पकड़ने के जो दावा है वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। पर जिस तरह से जो पूर्व के मंत्री हैं उनके जो ड्राइवर को गोली मारी है वो कहीं ना कहीं सवालों में है, और कांग्रेसी जो मंत्री हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि इस तरह से सरेआम जो गोली मारी गई है वो कहीं ना कहीं निंदनीय घटना है, और इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन को जल्दी ही कार्रवाई करनी चाहिए। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज। सहारनपुर महानगर में अवैध रूप से होटल में संचालित सेक्स रैकेट कारोबार का कोतवाली नगर पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस टीम ने कोतवाली नगर क्षेत्र के घंटाघर स्थित शिवा कॉम्प्लेक्स होटल सिटी हार्ट में धड़ल्ले से कारोबार चल रहा था, युवक युवतियों द्वारा जिसमें फिरोशी का कारोबार, पुलिस की धरपकड़ के चलते गिरोह का खुलासा हुआ। वहीं बात करें अगर इस्पा की तो यहां भी पुलिस जिसमें फिरोशी के कारोबार पर भी लगाम कसेगी। फरीदाबाद में बिना डिग्री डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहे एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री उड़न दस्ता सीआईटी विभाग की टीम के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में यह व्यक्ति लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा था और टीम की संयुक्त कार्यवाही के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही थाना प्रभारी की माने तो आरोपी महेश चंद्र शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर एक्शन लिया जा रहा है। ये 24 करोड़ का मामला है, बल्लभगढ़ सिविल हॉस्पिटल ने के डॉक्टर टीसी गढ़वाल है, उन्होंने ये रेड की है, रेड करके एक व्यक्ति को पकड़ा है। जो डॉक्टर के पास कोई फर्जी डिग्री है, कोई डिग्री नहीं है उस चीज़ को अपना काम करने के लिए, उसको डॉक्टरी करने के लिए, तो उसमें उन्होंने शिकायत की है, हम उस पर कार्रवाई। मनोज जुड़ेंगे। मनोज, फर्जी तरीके से डॉक्टर बनने की कोशिश की जा रही है, वहीं पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। तो मनोज से हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि फरीदाबाद से खबर है जहां बिना डिग्री की डॉक्टर की प्रैक्टिस की जा रही थी, आरोपी के खिलाफ संयुक्त टीम ने बड़ा एक्शन लिया है। खबर फरीदाबाद से है, बिना डिग्री के डॉक्टर की प्रैक्टिस की जा रही थी, आरोपी के खिलाफ तो वहीं पे संयुक्त टीम ने एक्शन लिया है, पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। शर्मा क्लिनिक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बिना डॉक्टर की डिग्री की साथ डॉक्टर की प्रैक्टिस की जा रही थी। एक बार फिर से संवाददाता मनोज की तरफ रुख करते हैं। मनोज, फर्जी तरीके से डॉक्टर बनने की प्रैक्टिस की जा रही थी, पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इलाके की है जहाँ बिना डिग्री के जो डॉक्टर है वो अपना क्लिनिक चला रहा था, जहाँ पर गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लैंग और सीआईडी और हरियाणा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जो बिना डिग्री के जो डॉक्टर था प्रेजेंट में उनको गिरफ्तार किया है, और जो आगामी जो कागज हैं उनके वो तमाम कागजों की चेकिंग की है कि अगर काफी समय से जो ये क्लिनिक था वो सेक्टर 24 के अंदर चल रहा था, जो आसपास के जो लोग थे वो भी वहां पर दवाई लेते थे, पर कहीं ना कहीं जो जिस तरह से बिना डिग्री के जो क्लिनिक चलाया जा रहा था, जो आम लोग हैं उनके स्वास्थ्य के साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा था। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज। प्रयागराज में 24 मई को विश्व सिफ्रोजेनिया दिवस मनाया गया, इसी के तहत सिजोफ्रेनिया बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक और सचेत किया गया। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रयागराज की टीम की ओर से विनीता हॉस्पिटल, आरएन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग व पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं के साथ
सिजोफ्रेनिया दिवस मनाया गया। नुक्कड़ नाटक पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता से बीमारी के लक्षण के बारे में बताया गया। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में तांत्रिकों के फेर में फंसकर बीमारी को बढ़ाने से बचने का संदेश भी दिया गया। आज स्किज़ोफ्रेनिया डे के दिन हम लोग ने जाके हॉस्पिटल में सबसे बात की और अवेयरनेस स्प्रेड की, और इससे हम यही संदेश देना चाहते हैं कि इससे डरिए नहीं और ये मत सोचिए कि लोग क्या बोलेंगे। आप देखिए कि आपके साथ जो है आपके अपने हैं, आप उनको देखिए कि आप उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और ये सोच के कि आप इधर उधर जाइए, आप मनोचिकित्सक के पास जाइए और मनोवैज्ञानिक के पास जाइए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं मनस्वी हूँ, यहाँ पर मैं इंटर्नशिप के लिए आई हूँ। हर साल 24 मई को विश्व स्किज़ोफ्रेनिया दिवस मनाया जाता है, और इसी के अंतर्गत हमारी जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रयागराज की जो टीम है वो विनीता हॉस्पिटल, जिसमें कि आरएन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के छात्र भी रहते हैं, वो इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे हम लोग स्किज़ोफ्रेनिया के प्रति लोगों के अंदर जितनी ज़्यादा हो सकता है जागरूकता प्रदान करेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये एक ऐसी मानसिक परेशानी है जो कि ट्रीटेबल है। कई लोग इसके लक्षण को समझते हैं लेकिन स्वीकारते नहीं हैं, स्वीकारते भी हैं तो ट्रीटमेंट के लिए आते नहीं हैं, या मिथ्स हैं क्योंकि जानकारी कम है समाज में स्किज़ोफ्रेनिया के प्रति, और इस कह सकते हैं मिथ्याएं ज़्यादा हैं, तो उन मिथ्याओं को दूर करने का हम सभी प्रयासरत हैं। इसमें हमने खासकर नर्सिंग और पैरामेडिकल के बच्चों को चुना है क्योंकि वो एक ब्रिज का काम करते हैं, समाज में जाकर के लोगों को बहुत ग्राउंड लेवल पे अवेयर करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण ऐसे ही होते हैं जहाँ लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जो वास्तविकता में नहीं होती, या कुछ ऐसा सुनाई देता है जो वास्तविकता में नहीं होता, बल्कि ये उनके खुद के लक्षण होते हैं जब उनका प्रत्यक्षण का जो क्षेत्र है, उनका जो मनोवैज्ञानिक पहलू है, उसमें डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, तब ऐसी परेशानी होती है जिसको हेल्यूसिनेशंस भी बोलते हैं। इस ऐसे लक्षण दिखने पे नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य की पूरी टीम है जहाँ मनोचिकित्सक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा अगर आज भी आप देखेंगे तो प्रयागराज के कई मज़ारों में लोगों को जंजीरों से बांध के रखा जाता है, और एक महीने, डेढ़ महीने, 15 दिन के लिए। एक्चुअल में वो होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट, पर चूंकि जानकारी कम होने के कारण लोगों को लगता है ये ऊपरी साया है, भूत प्रेत का कुछ जादू है या उसके कारण प्रभावित हुए हैं, इसकी वजह से वो सही जगह ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, और मरीज की हालत जब बहुत बिगड़ जाती है तो फिर उनको लेकर के यहाँ पे आते हैं। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो